बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकार में सरकार द्वारा की जा रही कटौती के खिलाफ 16 से 31 अगस्त तक कार्य बहिष्कार को लेकर मकेर बीडीओ को मुखिया द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मांग पत्र में मुखिया द्वारा 19 सूत्री मांग को शामिल किया गया है। ज्ञापन के पूर्व मुखिया तथा मुखिया प्रतिनिधि द्वारा सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। धरना में मकेर प्रखंड के 8 पंचायत के मुखिया तथा मुखिया प्रतिनिधि ने भाग लिया। धरना में मुखिया छठ मांझी मोजलील उर्फ भोली मियां, सुनील राय, मुखिया प्रतिनिधि सुनील राय, संजीत राय, मुराजा बंसारी, विकास कुमार, सुमित कुमार सिंह उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। मुखिया जी ये बताइए कि आज से आप लोग हड़ताल पे हैं, किन मांगों को लेकर के हड़ताल पे हैं? हम लोगों का 19 सूत्री मांग है और उस मांगों को लेकर के लगातार हम लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे थे और चिराज सरकार को, केंद्र सरकार से भी जो समस्याएं थी उस पर भी हम लोग दे रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत का जो संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें हम लोगों को महत्व दिया गया था कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ग्राम सभा ही ऐसी संस्था है जो ग्राम स्वराज का सपना महात्मा गांधी जी का था कि जिसके माध्यम से हम लोग ग्राम सभा में आम जनता अपनी योजनाओं को खुद चयन कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सभा ग्राम सभा है। संविधान में हम लोगों का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया, लेकिन ग्राम सभा के ही महत्व को दरकिनार करके और लगातार योजनाएं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास और भारत सरकार के अन्य संस्थाओं के द्वारा लगातार जो थोपा जा रहा है, तो हम सुझाव सरकार का मान सकते हैं लेकिन ग्राम सभा आदेश सरकार का नहीं मान सकती है। और ग्राम सभा के जो पर जो लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के सुरक्षा का मामला है, सुरक्षित जहां महसूस करें उनको हथियार का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, कई योजनाएं हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का मामला है जो कि 3 साल से अटका हुआ है। 31 अगस्त के पहले हम लोगों का पहले है कि 31 अगस्त के पहले हम लोग 22 तारीख को आज से सभी प्रखंडों में लगातार कार्य बाधित रहेंगे ग्राम पंचायतों में और कार्य का बहिष्कार करेंगे। 22 तारीख को प्रखंड स्तर पर हम लोगों का विशाल धरना होगा और फिर 29 अगस्त को हम लोग जिला मुख्यालयों पर धरना करेंगे और उसके बाद प्रथम चरण समाप्त होने के बाद हम लोग फिर रणनीति तय करेंगे। और अगर सरकार इस दौरान नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भी हड़ताल पर जा सकते हैं, हम लोग बड़ा रैली भी पटना में करेंगे। ये सब कई बातें हैं जिस पर हम लोग बाद में हम लोग विचार करेंगे। और अभी हम लोग का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य जो निर्वाचित हैं स्थानीय कोटे से, उनसे भी मेरा आह्वान है, हमारा मांग है कि आप भी आगे आइए, समर्थन करिए। बिहार के पूरा मुखिया एकजुट हैं, पूरा वार्ड सदस्य के मांग को लेकर के भी हम लोग लड़ रहे हैं, वे भी एकजुट हैं। आप सभी के साथ में, आप सभी हमारे वोटों से निर्वाचित हैं, आप हमें साथ दीजिए, आगे आइए। माननीय विधायकगणों से भी अनुरोध है कि आप भी साथ आइए और माननीय सांसदों से अनुरोध है कि आप भी इस आंदोलन का समर्थन करिए और हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करें ताकि ग्राम सभा स्वतंत्र रूप से अपने कामों को कर सके और जो वेतन भत्ता वृद्धि का मामला है उन सभी नई मांगों को लेकर के हमारी मांगों को सरकार सुनने का काम करे। हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर पंचायतों के अधिकारों में हो रही कटौती के खिलाफ हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पर है। दिनांक 16/8 से लेकर 31/8 तक हम लोग सरकार के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे और हम लोग का इसमें 19 मांग है जिसका हम लोग अपना मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को आज दिए हैं। और जब तक सरकार हम लोग को मांग नहीं मानेगी तब तक हो सकता है कि अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर भी हम लोग जाएंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे।